वालेकुम सर जी अगर ये आप इजाज़ मुझे दे तो मैं आप सबको सलाम करना चाहता हूँ मगर एक अनोखे अंदाज में आ, करो. मेरी तरफ से आप सबको अलैकुम <laughs> <laughs> सर मैं सर को एक शेर डेडिकेट करना चाहूंगा करें करें के अदा मतलब निगाह मतलब यार मतलब, प्यार मतलब, अदा मतलब, मतलब यार मतलब प्यार मतलब बता मतलब कहाँ जाऊं बता मतलब कहाँ जाऊं जहाँ जाऊं वहां मतलब इस बात का क्या मतलब और सुना जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है सर ठीक ठाक आप कैसी हैं मैं ठीक और सुनाएं <laughs> <laughs> क्या क्या कहना क्या चाहती हैं ये हम आपके ना डिम्पल्स के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं डिम्पल्स <laughs> के लिए वाह वाह अच्छा देख लिया आपने <laughs> आपको कैसे पता वो जब आप स्माइल करते हैं ना तो वो शो होते हैं अंदर चले जाते हैं अच्छा हां <laughs> <laughs> जी आज <laughs> <laughs> <Thank you. laughs> जी एक मुंडा मिले है का गला दे विच टोए मोए मोए थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नाम जी मेरा नाम अनम है नाम मेरा नाम इमरान अशरफ है आप, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपको देख के आ, ये यकीन डेवलप हो जाता है इंसान का कि दुनिया में अभी भी स्टिल हम्बल और अच्छे लोग मौजूद हैं तो हमें ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए अरे, अरे शुक्रिया शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्या कहना चाहेंगी मैं आ, एक नज़म सुनाना चाहती हूँ सुनाइए अमजद इस्लाम अमजद की प्लीज अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नरम दिलगिर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना कहीं पर रोशन चराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ तुम अपने हाथों से उन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना मैं खाक बनकर समुंदरों में सफ़र करूँगा किसी न देखे हुए जज़ीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा समुंदरों के सफ़र पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना अगर कभी मेरी याद आए तो उस जजीरे पे भी उतरना